मोहम्मद अरसलान कहाँ जा रहा है? मैंने नहीं गोद में पकड़ना बाबा के साथ। चलो 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 चलो, खुर्रम भी साथ हैं, बच्चे भी हैं। आज ना मैंने बनानी है बिरयानी, तो उसका सामान ले के आऊँगी। और साथ ना कल का प्लान है मेरा कि मैं काजी, मुझे काजी बहुत ज़्यादा पसंद है, उसके लिए मैंने अम्मी की तरफ जाना है मटका ले, क्योंकि अम्मी के पास मटका है। और ये लोगों ने बड़ा तंग किया, मैं बड़ा ही तंग किया है। ये क्या हुआ, ये किधर से काले किए हैं? क्या पंजाबी ना बोल पूरा तुम्हारी बेटी ना पंजाबी बोल रही है। क्या हुआ? अरे माँ शकड़े जाए। ये क्या है? सिगरेट नोशी। अब ये है, ये घर देखें कितना प्यारा, माशाल्लाह। ऐसे चार घर मैंने बनाए। तुमने चार घर बनाए हैं? हैं? तो हमें क्यों किराए पे रखा हुआ है? ओ। ऐसी ऐसी औलाद होती है जो माँ बाप को किराए पे रखे। जुनैना का घर है। किसका घर है? जुनैना। जुनैना कौन? दोस्त है। मोहम्मद अरसलान ना, इसने कसम से मेरी जान को हिटलर किया हुआ। कोई हिटलर भी इतना हिटलर नहीं होता होगा जितना ये हिटलर हो गया मेरे पे। घर जाना नानों के वहां धो देना। तुमने क्यों काले किए हाथ अपने? मेरा एन ना यहाँ पे आता है कि एन में आके ये इतना रोता है कि फिर कहते हैं अम्मा के पास आना, अम्मा अम्मा अम्मा। मोहम्मद अरसलान स्माइल स्माइल आओ। अब मैं थक गई थी, मैंने कहा मोहम्मद अरसलान का स्टाइल चेंज कर दे रही है। क्या नहीं बताना हैं? इसने खाए थे ना? नहीं मैंने खाए थे, इसने खाए थे। मैंने क्या खाए थे? मैंने नहीं खाए, कुछ ऐसे पूछ लो। हाँ मैंने नहीं खाए। आपने खाए थे जुगनी? तुम क्या खा रहे हो? क्या हुआ? इसको भी बिठा देना, एलईडी लगी है तो उसमें देख ले लो। उए बाबा, उसको क्यों धक्का दे रहे हो? आहा कहाँ जाने, और कहाँ जा रहे हो, वो कहाँ जा रही हो? आहा क्यों? ओहो ये बैठी है फातिमा, तो देखा सूजी Thank you.
अभी तक खत्म नहीं हुआ। शर्म कर कुछ फातिमा। है अरसलान, हम जा रहे हैं अल्लाह हाफिज, हम जा रहे हैं। वो कह रहे हैं वो गाड़ी में आ जाएगी खुद ही, हम घर जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज। कह रही है चीज़ें मेरे पास है। देख टीवी ने भी माफ़ी मांग ली, मेरे बच्चे खुश हो गए। हाँ सारे झूले झूले पागल है। हाँ? दो झूले झूले उसके बाद इसका रोना पड़ता है। झूले तो ना आखिरी वाला जो था वो ट्रेन में नहीं बैठा। हाँ जी, अब मैंने ना जीरा, हरी सब्ज़ इलायची, बादियाने के फूल, थोड़ी सी दालचीनी, काली मिर्चें, लौंग और काली मिर्चें ले ली हैं। अब इनको मैं ग्राइंड कर लूँगी। ये देखें जी ग्राइंड कर लिया इसको मैंने। अच्छा जी, अब मैं जब तक अपना चावलों को बॉईल कर लेती हूँ, इसके अंदर मैंने ना नमक डाल दिया और ताकि चावल खिले खिले बने, तो इसमें 2 से 3 टेबलस्पून मैंने सिरके के डाल दिए। अब ये बॉयल हो जाएंगे फिर मैं दम दूंगी। अच्छा, अब मैं 3 से 4 दरमियाने साइज़ के प्याज मैंने फ्राई करने रख दिए हैं, इनको फ्राई करके निकाल लूंगी। अच्छा जी, अब मैंने चिकन ले लिया 1 किलो, पिसी हुई मिर्चें, हल्दी, नमक, जर्दे का रंग, गरम मसाला। पहले मैं चिकन डाल दूंगी और उसके अंदर ये सारे मसाले और अब मैंने ये पेस्ट बनाया हुआ है, इसके अंदर मैंने पिसी हुई मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर का पेस्ट ये इसमें ऐड कर दूंगी। ये उधर रख दो, मिर्चें साइड पे भी रखना। इसके अंदर अब मैं ये थोड़ा सा दही डाल दूंगी। अब मैं इसको मसाले को मिक्स कर दूंगी। यहाँ पे प्याज ब्राउन अप हो रहे हैं क्योंकि उस स्टॉक पे गैस नहीं थी, तो चावलों को मैंने बॉईल कर लिया। अब फटाफट से इधर अपना बाकी का प्रोसेस करते हैं पूरा। ये देखें जी ब्राउन हो रहा है प्याज। ये देखें प्याज हो गए हैं ब्राउन, अब मैं इनको साइड पे कर दूंगी। हाँ जी, मैंने पतीले को दोबारा रख दिया चूल्हे पे। अब ये चावल, ये जो चिकन का मसाला है ना, ये मैं इसमें वापस इसमें डाल दूंगी। सारा मसाला इसका हाँ जी, ये देखिए अब मैं ना
चिकन को थोड़ा सा इसमें मिक्स कर रही हूँ। ये इसको बस थोड़ा सा बॉईल करना है इसके अंदर, ताकि वो जो प्याज है वो फिर मैं इसमें डाल दूंगी। हाँ जी, अब मैंने इसके अंदर प्याज मिक्स कर लूंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने अभी तेल नहीं डाला, तेल मैं इनमें डालूंगी, थोड़ा सा इसको इस तरह स्टीम देना है। अब मैं इसको थोड़ा सा पकने के लिए रख दूंगी, इसी तरह ही बस नीचे डाल दूंगी। हाँ जी, अब देखते हैं। अब ना इसके अंदर ये थोड़ा सा प्याज मैंने बचा लिया था, ये भी इसमें इसी तरह ही डाल देना है। मिक्स कर देना है। इसमें ना मैं थोड़ा सा नींबू अच्छा जी, अब इसमें मैं ये चावल डाल दूंगी। अच्छा जी, अब मैं इसमें ना ये एक प्याली मैंने ना जिसका चावलों को छाना था ना उस वक्त मैंने एक प्याली पिच के निकाल ली थी, वो इसमें डालूंगी। और थोड़ा थोड़ी थोड़ी सी जगह पे जर्दे का रंग और ऊपर से हम थोड़ा सा घी। इसको मैं दम पे 15 से 20 मिनट के लिए। हाँ जी, बिरयानी हो गई है रेडी। अब रायता बनाऊंगी। और मेरा मोहम्मद अरसलान ना मेरी टांगों में आई जा रहा है बार बार, तो उसको भूख लगी हुई है। रायता भी तैयार हो गया है। मोहम्मद अरसलान को पहले दो, आपने हप्पा खाना है।
तुम्हारे को मिलता है सवाल नहीं दे रहा मैं। कितना खुश है दादी कह रही है इसकी दोस्तों से कुछ नहीं खाया। ओए माँ शक्के आपने दोस्तों से कोई मुंह कितना पाला पाला हुआ है, दे दो खुरा। कुक 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 कुक। चलो खिलाती हूँ। हाँ जी अरसलान अब सो गया, कुलरम भी सो गए, इन्होंने सुबह काम पे जाना है तो मैं भी अब सोने की तैयारी करती हूँ। 10 बज गए हैं, सुबह इंशाल्लाह मुलाकात होगी। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।